अस्सलाम वालेकुम यूनान एथेंस। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल और जो स्ट्रिक्टली कंडीशंस आज से 23 मार्च से जो लागू हुई हैं, उसके बारे में कई दोस्त हमें जो है एसएमएस और कर रहे थे, पूछना चाह रहे थे कि जी क्या सिचुएशन है एथेंस में, काम पे जाना है नहीं जाना है, किस तरह फेस आउट करना है। तो उसके लिए एक जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए एक छोटी सी वीडियो आप सब लोगों के लिए और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनसे शेयर कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ कि कोई यहाँ पे कर्फ्यू नाफिज़ नहीं हुआ है, जैसा कि पाकिस्तान में कर्फ्यू होता है, आर्मी फोर्सेस अरेस्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस स्ट्रिक्टली रोका गया है, फाइन रखा गया है 150 यूरो का, वो इसलिए कि जो फजूल लोग बाहर जाते हैं या बगैर किसी रीज़न के वो ना जा सकें। दूसरी बात, जो लोग किसी कंपनी में या कहीं पर जॉब कर रहे हैं विथ लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, वो बआसानी अपने काम पे जा सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम अपने काम पे जा रहे हैं तो आपको एक वाइट पेपर लेना है, उसके लिए आसान हल बताना। वैसे तो गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर एक लेटर अनाउंस किया है, यूट्यूब से गूगल से आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको उसके बारे में मालूम नहीं है तो आप वाइट पेपर लें, अपना नाम लिखें, अपने फादर का नाम, एड्रेस लिखें, जहां जाना है वहां कंपनी का नाम लिखें और कितने बजे तक आप काम करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप लिख के उस पर जा सकते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, ताकि अगर आपको कोई रास्ते में रोके तो आपको फाइन नहीं देना होगा और अपने काम पर जाकर फिर आप वहां से जो आपके बॉस हैं या जो भी कंपनी के हेड हैं उनसे लीगल उनके नेम का पेपर कंपनी का ले सकते हैं। उसके बाद बआसानी आप हर रोज काम पे आ और जा सकते हैं। ओके, एक तो ये पॉइंट था। दूसरा ये था कि जो लोग घर बैठे हैं, अगर उनको किसी और वजह से जाना है, कुछ लेना है, तो क्या है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ये भी थी। एक गवर्नमेंट ने एक और चीज़ आसानी एक तरीका किया है, एक नंबर अनाउंस किया है इस हफ्ते के लिए 13033 13033। इस नंबर का क्या इस्तेमाल है, किस तरह हम इस पर इसके ज़रिए इस्तेमाल करके जा सकते हैं और किन किन कंडीशंस में हम बाहर जा सकते हैं। जैसा कि आप काम तो नहीं कर रहे, घर हैं, लेकिन आपको अगर बाहर जाना है तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं फार्मेसी और डॉक्टर, सुपरमार्केट एंड स्टोर फॉर फूड एंड ATC, बैंक ओनली इफ यू कैन नॉट डू अ ट्रांजिशन ऑनलाइन। आप बैंक से पैसे निकालने जा सकते हैं बशर्तिया अगर आप ऑनलाइन ट्रांजिशन नहीं कर सकते तो। हेल्पिंग समवन दैट नीड्स हेल्प, किसी दोस्त की मदद के लिए भी जा सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेंड दैट लिव्स क्लोजर एंड फील ऑफ द स्टेयर्स। कोई दोस्त जो आपके कहीं करीब रहता है और किसी किस्म की परेशानी में मुब्तला है तो आप उसकी हेल्प के लिए भी जा सकते हैं। गोइंग फॉर अ वेडिंग ETC, वेडिंग के लिए भी जा सकते हैं, किसी फ्रेंड की वेडिंग प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। वैसे तो अलाउ मुझे नहीं समझ आती कि कोई इस सूरत हाल कोरोना की कंडीशन में भी वेडिंग का प्लान करेगा, पर अगर है तो आप जा सकते हैं। गोइंग फॉर एक्सरसाइज के लिए जा सकते हैं, रनिंग वॉक के लिए जा सकते हैं, आर वॉकिंग योर डॉग, अपने डॉगी को वॉक करवाने के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन हैं। आपको ग्लव्स हाथों पे होने चाहिए, फेस मास्क होना चाहिए, उसके अलावा आपको ये सब चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी कि आपको कहाँ जाना है। अगर किसी से आप कुछ बाय करने जा रहे हैं तो वहाँ का बिल ज़रूर लीजिएगा। और अब आपको इन छः चीज़ों को किस तरह इस्तेमाल करना है। पहले आपने 13033 पर एक टेक्स्ट करना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस टेक्स्ट में अपना नाम लिखना है, अपना एड्रेस लिखना है, रीज़न लिखना है। अगर आप फार्मेसी जा रहे हैं तो फार्मेसी का एड्रेस, उसका नाम, बैंक जा रहे हैं बैंक का एड्रेस, एरिया, सब कुछ लिखना है, टेक्स्ट सेंड करना है। फिर इसी नंबर से आपको एक रिप्लाई आएगा और उस रिप्लाई के बाद आप, यानी कि आपको कंफर्मेशन आ जाएगी कि आपको इजाज़त दी जाती है, और फिर आप इस तरह से हाथों पर ग्लव्स करके और मास्क, फेस मास्क पहनकर बआसानी जा सकते हैं। फिर मैं आपको बताता चलूं कि किसी किस्म का कोई कर्फ्यू नाफिज नहीं हुआ है तो किसी को डोंट बी स्केयर्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अभी भी बाहर इन कंडीशंस में जा सकते हैं। ओके, थैंक यू। मज़ीद कोई मालूमत होगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे।